शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। तबादला नीति नहीं आई, चलिए मान लेते हैं आप जो कहते हैं कि अभी कैबिनेट के सामने नहीं आई, लेकिन इन 3.5 सालों में और इससे पहले भी तो आप राज किया ही है ना, आपने तीसरी बार तो यही मुख्यमंत्री हैं। हम स्कूलों की स्थिति सुधार लेते, हम अंग्रेजी स्कूल तो करते रहे, लेकिन कम से कम जो सुदूर स्कूल है, दूरस्थ ग्रामीण अंचल में है, उनकी स्थिति तो ऐसी करते कि वहां यदि कोई नौकरी कर रहा है तो उसे रहने के लिए आवास हो, है उसका, उसकी फैमिली वहां रह सके, तो फिर इतने आरोप आपके ऊपर नहीं लगते, इतना दबाव ना बने कि तबादला नीति तत्काल ले आओ, फिर उसके लिए एक विचार भी हो जाए। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। शिक्षक को तो आपने मान लिया कि वो गरीब की गाय है, जो आएगा उसे धो ले जाएगा। जनगणना करो, पशुगणना करो, पल्स पोलियो में जाओ, है ना, मिड डे मील पकवाओ, दूध भी बंटवाओ, सब कराओ उससे, लेकिन जब तबादला कराने आए तो उससे कहो डिजायर लिखवा के लाओ। देखिए, कांग्रेस सरकार ने शिक्षक वर्ग के प्रति बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक और सहयोगात्मक नजरिए से एक प्रारूप को हरी झंडी दी है। वो प्रारूप आज जब तक जनता के बीच में नहीं आया तब तक तो भारतीय जनता पार्टी को उंगली उठाने के लिए पूरा अवसर है, परंतु इनको इनके भारतीय जनता पार्टी को अपनी पृष्ठभूमि में भी देख लेना चाहिए। मैं उसका भी जवाब देने के साथ साथ मैं आपके प्रश्न का भी जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी को भी आज कांग्रेस की सरकार में ऐसा तो हुआ कि एक प्रारूप बनके बिल्कुल अंतिम स्टेज में पड़ा हुआ है। प्रमुख सचिव के पास में भी एक समय सीमा है, तब तक ही वो आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आज कांग्रेस सरकार ये कह दे कि प्रस्ताव ही नहीं बनाए, प्रस्ताव पूरा फाइनलाइज होकर प्रमुख सचिव के पास में पड़ा है, मंत्रिमंडल के पास में आता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये तो सबको पता है 14 माह से पड़ा है जी। अब इसके बाद तो सरकार चुनाव मोड में चली जाएगी, इसके बाद कौन से तबादले होने हैं, आप कर पाएंगे क्या इसके बाद शिक्षकों के तबादले या कर्मचारियों के? यही 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 तबादला नीति आ जानी थी। देखिए, मैंने भी एक पार्टी के प्रतिनिधि के बतौर आपको पूरा आश्वस्त किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी अगर कोई कमिटमेंट करते हैं ना तो वो कमिटमेंट को पूरा करते हैं। ये प्रारूप आपके सामने शीघ्र ही देखने को आएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में तो ये प्रारूप भी नहीं बना, कमेटी ने रिपोर्ट तक नहीं दी थी, और आज कांग्रेस के राज में ये प्रारूप बिल्कुल अंतिम स्थिति में। फिर भी शिक्षकों की समस्याओं को देखते हुए परिवेदनाओं को प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसफर किए जाएंगे। जनप्रतिनिधि, आरोप आपकी सरकार पे लगा कि आपने तबादले इसलिए खोले कि राज्यसभा चुनाव में आपको विधायकों को सेट करना था, उनको संतुष्ट करना था, यह आरोप लगा भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे दमखम से लगाया और राजनीतिक विश्लेषकों ने भी बात कही। इसलिए तबादला नीति तो इन तबादलों में आनी नहीं थी, ये बात तो क्लियर हो ही रही थी। अब आप भले ही कितना भी आश्वासन देते रहे, देखिए जहां तक राज्यसभा चुनाव की बात है तो भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाने के साथ साथ में आरोप को साबित करने का भी भार उनके पास है। वो ऐसी सूची सार्वजनिक कर दें कि किन एमएलए को किनों को बनाया, ऐसा नहीं है, ये झूठा आरोप है। सिर्फ तबादले, लेकिन प्रियदर्शी जी, सिर्फ तबादलों में भ्रष्टाचार को लेकर नहीं, लगातार रीट मामले में भी आप कटघरे में है कि एक सीमा से आगे आप बढ़ नहीं पाए उसमें। देखिए, सारी भर्ती परीक्षाएं आपकी जो है धराशायी हो जाती हैं, या तो कोर्ट में चला जाता है बच्चा, या फिर आप पेपर लीक, मामला वहीं का वहीं। तो वो जो ईमानदारी दिखनी चाहिए नैतिक तौर पर, वो नहीं दिख रही है, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं। पार्टी ने जी 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 सरकार ने अपनी ईमानदारी को दिखाने के लिए कमिटमेंट किया था। वो कमिटमेंट ये किया था कि आज ऐसा हुआ है, आइंदा से ऐसा नहीं हो, इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने किया। ये तभी तो सवाल है, कमिटमेंट किया उसको निभाया होता तो ये हम चर्चा कर ही नहीं रहे होते। हम चर्चा इस पे कर रहे होते क्या लाजवाब नीति आई है या नीति में क्या सरकार रीट के संदर्भ में कानून भी ले आई, और जबकि रीट के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी को कहने का तो कोई अधिकार ही नहीं है। उनके शासन में तो दो बार ऐसा हुआ है कि जो रीट का पेपर आ चुका है। हम आएंगे आपके पास, उनके शासन में ऐसा हुआ इसलिए आपके शासन में ऐसा होना ही चाहिए, फिर क्या मतलब निकला सरकार है बदलने का, जनता वही की वही। कांग्रेस का कमिटमेंट तो मैंने आपके सामने रख दिया ना, कमिटमेंट तो किया, वादा किया है तो निभाओ। तो हमारे साथ शैलेंद्र धावाई है। शैलेंद्र धावाई जी, कांग्रेस बार बार कह रही है कि आपके शासन काल में भी ऐसे ही तबादले होते थे, इसलिए आपको तो बोलने का कोई हक ही नहीं है। देखिए, जिस हिसाब से प्रियदर्शी जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है और जो वो कहते हैं वो करते हैं, तो 3.5 साल में हमने यही देखा है। और इनके मंत्री और विधायक भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ बातें करते हैं, घोषणा के मुख्यमंत्री हैं, आज तक कोई भी काम धरातल पे नहीं हुआ है। मैं प्रियदर्शी जी से पूछ लेना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी आपके कमिटेड है तबादला नीति में, तो आप बता दीजिए कि हमारे शिक्षक नेता बैठे हैं, पूरी जनता देख रही है राजस्थान की, कि आप कब इसको कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर कब ये शिक्षा तबादला नीति लागू कर देंगे? आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कमिटेड हैं, तो आप बता दीजिए कब लागू हो जाएगी तबादला नीति? प्रियदर्शी जी, 15 दिन में, महीने भर में, 2 महीने में, आप कह रहे हैं ना जो वादा वो करते हैं उसको वो पूरा निभाते हैं, तो आपकी सरकार बनती ना,
आपके मंत्री ही कह रहे हैं, आपके मंत्रियों ने कहा है मुख्यमंत्री जी सिर्फ बातें करते हैं, घोषणा के मुख्यमंत्री है, एक भी घोषणा धरातल पर नहीं आई है वो राजस्थान की जनता देख रही है। केंद्र सरकार जो है पूरी जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। केंद्र सरकार हमारा एक भी, अगर केंद्र सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे काम कर रही है, एक भी मामला आप बता दें केंद्र का कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है हमारे। तो भ्रष्टाचार तो राजस्थान की जनता देख रही है। आप कह रहे थे कि हमने अभी 3.5 साल में भ्रष्टाचार डबल हो गया। प्रियदर्शी जी आप कुछ कहने की स्थिति में है, नई तबादला नीति कितना आज कल परसों में आ जाएगी? देखिए ये तो आप भी बेहतर जानते हैं कि इसका बेहतर जवाब और बिल्कुल फाइनल जवाब तो प्रमुख सचिव भी दे सकते हैं, परंतु मैं पार्टी के प्रतिनिधि की तरफ मैं आपके बात का जवाब दे रहा हूँ ना। प्रवक्ता है, चलिए हम आएंगे आपके पास, हम आएंगे। आप दोनों के पास कोई जवाब नहीं, आप दोनों के पास कोई जवाब नहीं है। उनके पास ये है कि साफ प्रारूप तैयार है, आप कह रहे हैं कि हम आएंगे आपके पास। चले जी आएंगे। हमारे साथ भवानी शंकर शर्मा जी। भवानी जी अब इसके बाद क्या, शिक्षक तो वहीं का वहीं रह गया, ठगा गया? ये तो होना वही है, ढाल के दो तीन बात, कुछ भी नहीं होगा जब तक मैंने आपको पहले ही बताया ना, अभी भाई साहब पारा सर जी ने कहा था कि शिक्षक भी इसमें इन्वॉल्व है। इस बात को मैं थोड़ा सी मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षक इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन शिक्षक को मजबूर किया जाता है। कोई भी शिक्षक अपने जो अपने काम कर्तव्य होता है उससे वो इतर नहीं जाना चाहता, लेकिन जब उसको लगता है कि मुझे इस काम को करने से मुझे इतर नुकसान हो रहा है, तो वो किसी भी राजनीतिक नेता या किसी को उसके पास में जाना की कोशिश करता है, ताकि मेरा भी कहीं ऐसा नहीं हो कि जो अभी एक मेरे भाई का बार नहीं, जैसे, दिखा दिया था। जैसे पारा सर जी ने कहा कि आपके संगठन भी अब एक तरीके से पार्टी जैसे हो गए, नहीं फला विचारधारा का संगठन, एक फला विचारधारा का संगठन, तो उसका फायदा फिर ये सरकार उठाई लेगी ना, किसी भी राजनीतिक दल की। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि हमारे भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो आइडियोलॉजी के आधार पर बंधे रहते हैं, लेकिन वो भी एक बुराई है, मैं उसको बुराई शब्द बोलता हूँ कि वो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको मजबूर कौन करते हैं, राजनेता कौन करते हैं? केवल शिक्षक नहीं जाता कभी भी किसी की शरण में, उसको जो मूल जो कार्य है कर्तव्य है उसका शिक्षण कराना होता है, लेकिन शिक्षण के बाद में अगर किसी साथी को एक को सदा किसी, यो कहते हैं ना पुरानी कहावत है कि किसी को गांव में डराना हो तो एक कौवे को आप जो मार के पेड़ के पेड़ पर टांग दो तो सारे कौवों में भय पैदा हो जाएगा। वही असूल हमारे यहाँ वही शिक्षकों में है। आज अगर मान लो एक शिक्षक को अगर कोई अगर राजनेताओं के या सरकार के पक्ष में या सरकार के पास नहीं जाता तो उसका असर वो होता है जो बाड़मेर और जैसलमेर की धमकियां अदना से गांव का देता है वो भी दे देता है, वो मजबूर होता है।